नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना एक बार फिर से अब लोगों को परेशान कर रहा है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का XE वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली से लगने वाले चार जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। चौथी लहर की आहट में इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और उम्र दराज लोगों को सबसे ज्यादा है, क्योंकि 18 प्लस को वैक्सीन लगाने का अभियान है वो जोरों पर चल रहा है, लेकिन बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल, कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें और कैसे हम इसको हरा सकते हैं? आप इस सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि हमारे साथ थोड़ी देर में कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे आप सीधा सवाल भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा बता दें कि आखिर डाटा क्या है। जी हाँ, हरियाणा में 24 घंटे में 249 केस आए सामने। गुरुग्राम में सबसे अधिक 196 नए केस आए सामने। गुरुग्राम में 868 एक्टिव केस है और फरीदाबाद में 40 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको जानकारी दें कि फरीदाबाद में एक्टिव केस की संख्या पहुंची है 188। सोनीपत में भी मिले हैं 4 नए केस। झज्जर में दो मरीजों जो नए मरीज हैं उनकी यहां पर पुष्टि हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंबाला और करनाल में एक एक मरीज की पुष्टि हुई है। रोहतक कैथल में भी एक एक केस मिला है। तो ये जो लगातार केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुश्किलें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चौथा वेव जो है वो आ चुका है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं अब प्रतिबंध भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, अलग अलग जगहों की बात करें हम तो प्रतिबंध लगातार अलग अलग जगहों पर लगा दिए गए। हरियाणा में भी लगभग 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अभी कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो ये जो अनिवार्यता है इसे हटा दिया गया था। प्रतिबंध जो है उसमें भी छूट लगातार मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से इन बढ़ते केसेस के बाद अब सरकार भी सख्त है। स्वास्थ्य महकमा भी अब अलर्ट मूड में है और ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से ये केसेस बढ़ने से पहले ही लोगों को इतना जागरूक कर दिया जाए कि ये जागरूकता इस संक्रमण को रोक सके। और इसीलिए अब लगातार लोगों से ये बार बार अपील भी की जा रही है, एक बार फिर से वो दौर शुरू ना हो, एक बार फिर से वो मंजर ना देखने को मिले। इसीलिए अब आप भी अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इंडिया न्यूज भी आप सभी से यही अपील करता है कि जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि अब चालान जो है वो कटेंगे और मास्क भी लगाना अनिवार्य है। लेकिन ये डर जो है ये आपके अंदर होना चाहिए कि इस संक्रमण की जद में हम ना आए, क्योंकि अगर हम संक्रमण की जद में आते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी बढ़ेंगी। आपके परिवार में छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और खासतौर पर सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी है। लेकिन सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि आपको इस वायरस से बचना है। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और इस देश को, इस प्रदेश को स्वस्थ रखिए। सबसे पहली जिम्मेदारी हम सबकी यही होनी चाहिए कि हमें प्रिकॉशन लेना होगा, अपने चेहरे पर मास्क लगाना ही होगा, अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से हमें दूर रहना होगा, क्योंकि एक बार फिर से केसेस और मौत के आंकड़े जो है वो न बढ़े, हमें सावधानी बरतनी होगी। कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है इसको लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट किया है। ये जो राज्य है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें दिल्ली और हरियाणा का नाम भी शामिल है। उम्मीद सभी से यही लगाई जा रही है कि इस बढ़ते केसेस के बीच में हम अलर्ट मूड में रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे और खासतौर पर सावधान रहेंगे। जब भी हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएंगे, अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करने पर ही हम इस वायरस को ही देश भी नहीं दुनिया से भी भगा सकते हैं। ये आपको अपने मन में सोचना है, समझना है कि आखिर ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो खतरनाक का जो लेवल था, वो जो मंजर था जो हमने देखा है, जब लोग अपने अपनों को खो रहे थे, जब लोग अपनों को छू नहीं पा रहे थे, जब अपनों के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे, वो मंजर न लौटे। इसीलिए अब हमें एक बार फिर से सचेत रहने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस जानलेवा है। अब बड़ी बात यह है कि चाइना में भी लगातार केसेस बढ़े, इसके अलावा और भी विदेशों में भी जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर गुरुग्राम की अगर बात की जाए
तो यहां पर बीते 24 घंटे में 269 नए केस आए हैं सामने। किस जिले में कितने केस हैं ये भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत में 4 केस आए हैं सामने, जज्जर में 2 केस आए सामने, रोहतक में फिलहाल अभी 1 केस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिर इस वायरस यानी कि जो ये एक्सी वेरिएंट है इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और क्या सच में एक बार फिर से वो मंजर हमें देखने को मिलेगा अगर हम लापरवाही बरतेंगे। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पुनीता हसीजा जो कि चेयरपर्सन है IMA फरीदाबाद, और वही दूसरी ओर प्रतीका बेदी जी भी जुड़ी हुई जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुनीता जी आपका ही रुख कर लेते हैं। पुनीता जी एक बार फिर से वो तस्वीरें वो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं जो हमने फर्स्ट वेव में देखा, सेकेंड वेव में देखा, थर्ड वेव में देखा, क्या अब फोर्थ वेव भी आ चुकी है? नमस्कार एवरीवन एंड थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया इस के लिए। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातें सुन रही थी कि केसेस बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसका इस बार जो पॉजिटिविटी रेट भी है वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसको फोर्थ वेव डेफिनेटली आ चुकी है हमारे देश में, लेकिन वही है कि हमें जो है कि इसमें भी वही हमें जैसे पहले हम कहते थे कि 3 चीजें याद रखिए कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने हाथों को सैनिटाइज किए, लेकिन चौथी बात जो आप भी बता चुके हैं कि अपना सोशल बिहेवियर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको हल्का सा भी बुखार है या कोई सिम्टम होता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए। तो इस बार की जो फीवर है, इस बार का जो हमारा वायरस है फोर्थ वेव में जो हमारा म्यूटेशन होके आया है, बेसिकली हाई ग्रेड फीवर आ रहा है पेशेंट्स को, बहुत ही हाई ग्रेड 104, 105, 106 तक के केसेस देखे गए हैं, और पेट के सिम्टम ज्यादा देखे जा रहे हैं इसमें। पेट दर्द है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, वो सिम्टम इसमें ज्यादा देखे जा रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल, ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटल एडमिशन काफी कम है। जो सिम्टम्स हैं वो भी मोस्टली बच्चों में देखे जा रहे हैं या बहुत बुजुर्गों में देखे जा रहे हैं। बच्चों में इसलिए क्योंकि उनको शायद वैक्सीनेशन नहीं लगा है अभी तक, क्योंकि हमारे देश में भी 12 साल से नीचे वाले बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और जो हॉस्पिटल से भी मोस्टली बच्चे जो जिनका हो रहा है, आई थिंक पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं बच्चों को एडमिट कराने के लिए, बट विद इन 3 डेज हम देख पा रहे हैं उनको कि वो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट जिम्मेदारी निभाने की बहुत जरूरत है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको नहीं छोड़ना है जब तक कि वायरस हमारे देश से चला नहीं जाए, और जब तक कि हमें बिल्कुल ये जो है कि लगे कि हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं। तो मास्क मैंडेट तो मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल ही बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए, डेफिनेटली हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। और मास्क से हमने और भी चीजें देखी, मास्क पहनने से लोगों को जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते थे, जो पॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स होते थे, जो खांसी जुकाम वायरल एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम वायरस होता था वो भी काफी हद तक ठीक रहा है। तो वायरस मतलब एक मास्क पहनना एक हमें एक तरह से अपना ड्रेस कोड ही बना लेना चाहिए इसको। तो लेकिन घबराएं नहीं, चौथी वेव आई है और हम जैसे पहली, दूसरी, तीसरी वेव से गुजर चुके हैं, और हमारे देश ने बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छा तरीके से इसको टैकल किया है, इन वेव्स को। तो फोर्थ वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हमें अब मालूम है कि हमें सिम्टोमेटिकली कैसे ट्रीट करना है, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या करना है, सांस की प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्या करना है। हमारे पास बेड की सुविधाएं काफी हैं, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की पाइपिंग है, ऑक्सीजन का जो एक हमारे लैब हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया है, बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, डॉक्टर्स हैं वो कि उनको भी पता चल गया कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। बिल्कुल, और देखिए इसी मोटिवेशन की जरूरत है, इसी मोटिवेशन की जरूरत है कि जैसे हमने फर्स्ट वेव को हराया, सेकंड वेव को हराया, थर्ड वेव को हराया, अब यही उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि आपको अपनी मेंटल जो स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन रखना है, तभी हम अपने आप को फिट रख पाएंगे और हम इस फोर्थ वेव को भी हरा पाएंगे। हमारे साथ प्रतीका बेदी भी जुड़ी हुई हैं। आप सीधा आपके पास आते हैं। हमारी बॉडी के फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो हमारी हैबिट है या फिर कहे कि जो हमारी जीवन शैली है उसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जो है वो न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हेलो जी, जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ जी सर, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि लोग इलाज वाई में ढूंढते हैं, जबकि सबसे ज्यादा इलाज हमारी न्यूट्रिशन में, हम जो खाते हैं उसमें होता है। सो ऐसे हाल में जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोविड बढ़ता चला जा रहा है, अभी हमारी फोर्थ वेव भी एक्सपेक्टेड है, इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू सेफगार्ड अस आवर इम्यूनिटी, टू वर्क ऑन द इम्यूनिटी। बेसिकली बॉडी की क्षमता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, राइट? एंड ये ऐसी सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, बढ़ती हुई उम्र में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसमें हमें ध्यान देना है अपनी न्यूट्रिशन को। वी हैव टू द बैलेंस रिच न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, जो आजकल के लोग, आजकल का यूथ नहीं कर रहा। अ डाइट दैट इज रिच विटामिंस एंड मिनरल्स कैन रियली बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो सर आप जितना आप अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करेंगे, आपकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी उतना ही बेटर कोविड या और कोई कर पाएगी। तो सर डाइट में, न्यूट्रिशन में, लाइक आई टोल्ड यू, विटामिंस एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ ज्यादा एम्फोसिस देते हैं माइक्रो मिनरल्स को, जैसे हो गया विटामिन सी हो गया, आपने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में विटामिन सी के बारे में काफी सुना होगा। सो यू नो विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, आयरन, ये सारे फूड्स जिनमें ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स रिच है, हम ये अपने क्लाइंट्स को देते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस लाइक कोविड एंड अदर डिजीजेस। बिल्कुल, और देखिए न्यूट्रिशन पर हमें काम करना होगा, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार तमाम डॉक्टर्स ने भी शुरुआती दौर में ही कहा था कि आपको अपना डाइट जो है वो बड़ा अच्छा रखना होगा, तभी आप अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रख पाएंगे। खैर पुरिंदर जी, आपके पास आते हैं, आपने भी जिक्र किया कि इस बार जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए स्कूल खुले और बच्चे संक्रमण की जद में आ गए, यानी कि बच्चे और बुजुर्ग पर एक बार फिर से ये जो कोरोना वेरियंट है, एक्सी वेरियंट, वो हावी हो रहा है। बड़ी बात है कि अभी पेरेंट्स भी परेशान हो गए कि स्कूल खुले, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बुजुर्ग जिनकी इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होती है उनकी एज के अकॉर्डिंग, अब उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, तो क्या प्रिकॉशन अब हम ले सकते हैं? प्रिकॉशन जैसे प्रीतिका जी ने बताया है, प्रिकॉशन तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है सबसे पहले। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना नहीं है। अपनी सेहत के ध्यान के लिए हमें बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। हमें ताजे फल, सब्जियां, दालें, अगर नॉन वेज लेते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट में नॉन वेज में एग, फिश, चिकन वो लेना है। ताजे फल सब्जियां खानी है, और बाहर का खाना जितना हो सके, प्रोसेस्ड फूड है या जो भी रेफ्रिजरेटेड फूड है वो अवॉइड करना है आपने। और हमें जो भी चीजें हमें ताजी हैं, जिनके जरिए हमें विटामिन्स मिनरल्स मिल सकते हैं, जिन चीजों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है, जैसे भुने हुए चने हैं, भुनी मूंगफली है, गुड़ है, ये चीजें हमारे को प्रोटीन लेवल, हमारे आयरन का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ताजी पत्तेदार सब्जियां, फल हैं जो हमें एकदम ताजे विटामिन देती हैं। दालें हैं जिनको हम स्प्राउट के रूप में ले सकते हैं, विटामिन बी, जिंक वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी चीजें हमें खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। दूसरा, हमें दूध, फल, पनीर, इनका सेवन करना चाहिए। इनसे भी हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। अगर आपके घर में कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर या हाइपरटेंशन या कुछ ऐसी और प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, तो उनको आप थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें बाकी लोगों से, और उनको बोलें घर में भी मास्क पहन के रखें, ताकि उनको अगर घर में किसी को जरा सा भी इन्फेक्शन हो तो उनको हो ना पाए। हल्का फुल्का व्यायाम करते रहें, जिसमें योगा है, लिटिल हल्की वॉक है आपकी, और घर अगर वॉक भी नहीं जा सकता तो घर पर ही अपना टहले, आधे पौने घंटे का व्यायाम करें, जिससे आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव सोच के रखें, पॉजिटिव सोचना चाहिए हमारे को, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोविड हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। अपने आप को इमोशनली एज वेल एज मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना है, और क्योंकि अगर हम इमोशनली या मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम पे भी बहुत असर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई थिंक विद इन 2 सालों में हमारे काफी लोग इन बातों को समझ गए हैं और काफी ज्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देने लगे हैं। बट एक बात है कि बहुत विग्रस एक्सरसाइज ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि पोस्ट कोविड जिनको हुआ है कोविड पिछले 2-3 वेव्स में, तो हमने देखा है कि उन लोगों को विग्रस एक्सरसाइज करने के ड्यूरिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कार्डियक इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, कुछ जो अभी मसल वीकनेस है, बॉडी वीकनेस, वो अभी तक गई नहीं है। तो बहुत लाइट हल्की फुल्की एक्सरसाइज
और खाना भी बहुत हल्का लेकिन पौष्टिक, वो नहीं बिल्कुल। देखिए ऐसे में एक सवाल और है मेरा। देखिए आपने बताया कि आखिर हमें किस तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है लेकिन अभी डेथ रेट जो है वो बढ़ी नहीं है, और यही उम्मीद की जा रही है कि डेथ रेट जो है ना बढ़े। लेकिन ऐसे में एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब क्या उनके अंदर भी वो डर होना चाहिए कि अगर हमने दो डोज ले ली है या फिर बूस्टर डोज ले ली है, क्या उसके बावजूद हम इस कोरोना की जद में आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन जो है अब 60-70% ही असरदार है। ऑलमोस्ट जिनको मैं देखा गया, डॉक्टर्स को भी सेकंड थर्ड बूस्टर के बाद भी डॉक्टर्स में कोविड के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो 60-70% ही पॉजिटिव मतलब इसकी असर है। तो इसके लिए बूस्टर तो हमें बार बार 9 months to 1 year में बूस्टर तो हमें लेना पड़ेगा। आई थिंक जैसे हम इन्फ्लुएंजा का एवरी ईयर बूस्टर लेते हैं या और बाकी चीज़ों का बूस्टर्स लेते रहते हैं, विद टाइम आई थिंक इसका भी ऐसा ही होगा कि हमें बूस्टर डोज लगाते रहेंगे तो हमारे अंदर इसकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। लेकिन हमें अपने खाने पीने से, व्यायाम से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से भी अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है, क्योंकि और मास्क और अपनी हैबिट्स, सोशल हैबिट्स को बहुत इम्प्रूव करना है, और अपना जो एक सोशल आपकी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बने कि अगर आपको जरा सा भी हल्का खांसी, बुखार, पेट दर्द, लूज मोशन है तो आप कृपया करके अपने आप को आइसोलेट करें। ठीक है, बिल्कुल। बेदी जी, सवाल आपसे भी है, क्योंकि देखिए बातें ये की जा रही हैं कि जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं वो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों की भी एक लिमिटेशन होती है कि उन्हें ये पसंद है, उन्हें ये नहीं खाना, इन्हें वो नहीं खाना। ऐसे बुजुर्ग भी हैं, उन्हें भी कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मना होती हैं। तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग क्या खाएं क्या ना खाएं? सर देखिए, जहाँ तक रही बच्चों की बात, बच्चे जो खाएंगे या बच्चे जो ना नहीं खाएंगे, वो ना टू अ लार्ज एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। तो मेरा कहना है कि पेरेंट्स को फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों को ही खाने की ही आदत डालनी चाहिए। अपने बच्चों को व्हाइल योर चाइल्ड इज ग्रोइंग स्टेज में इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको है आलमंड से, कैशूज से, पीस से, लेंटिल जिसे कहते हैं, दाल, सेसमे सीड्स, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, अगर आपको मिल सकता है जेही एग से, मीट से, पंपकिन सीड से, सो द लिस्ट इज लॉन्ग। अगर आपके बच्चे एक चीज नहीं पसंद तो दूसरे फॉर्म में आप उसको जिंक दीजिए। अपने बच्चों को आउटडोर्स रखिए ताकि उन्हें विटामिन डी मिले। विटामिन डी उन्हें से भी मिल सकता है, उन्हें फैटी फिश से भी मिल सकता है, सोयाबीन से भी मिल सकता है, मशरूम से भी मिल सकता है। एंड मेरा ये मानना है, बिकॉज मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चों को मिलती हूँ, आई फील अपने बच्चों को बिगिनिंग से ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की आदत डालिए। उनको बताइए द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट से ही को प्रोसेस्ड जंक एंड कैलोरी डेंस फूड से थोड़ा सा दूर रखिए। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ हैबिट। बच्चों की में आई फील पेरेंट्स कैन प्ले अ रोल। बच्चों को अच्छी ईटिंग हैबिट्स ही सिखानी चाहिए। एंड सर मेरा ये मानना है कि आजकल का यूथ एंड किड्स ऑफ टुडे आर बिकमिंग वेरी फैट हो गए। दे डोंट रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी फैट्स। अपनी डाइट में टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी आप हेल्दी करिए। हेल्दी फैट्स यू कैन गेट फ्रॉम ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल हो गया, यू कैन गेट इट फ्रॉम एवोकाडोस, यू कैन गेट इट फ्रॉम फ्लैक्स सीड, यू कैन गेट फ्रॉम वॉलनट्स, एंड काफी सोर्सेज हैं। तो सर बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन रेट एंड बैलेंस डाइट दीजिए। जहाँ तक रहे बच्चों की बात, हाँ कभी कभी होती हैं जैसे किडनी डिसऑर्डर्स में, डायबिटीज में हम कुछ फूड्स नहीं दे सकते, दैट आई अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स को हम इतना बनाना नहीं रेकमेंड करते, ठीक है, अगर वो बनाना नहीं खा सकते तो उन्हें अनार दे सकते हैं, तो हम कीवी दे सकते हैं उनको, हम और उनको हम ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। सो सर द ऑप्शंस आर वेरिड एंड यानी कि ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए एक सवाल और कि एक तरफ टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन डाइट्स आप बताइए कि अगर वो बढ़ती धूप में भी खाएं या फिर गर्मी में भी खाएं या फिर अगर कोरोना की जद में ना आने की वजह से भी जो लोग परेशान हो रहे हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि इस भरी दोपहर में या भरी गर्मी में मैं फिट रहूं, तो आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखो जो मैं देखती हूँ अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, गर्मियों में थोड़ी ताप कम हो जाती है, लोगों का नहीं करता, गर्मी काफी बढ़ी है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर इम्यूनिटी एंड
वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग समर्स इज हाइड्रेशन. आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए. हाइड्रेशन के सर, अगर आप फोकस मोर ऑन वाटर, हैव टू मिनिमम ऑफ 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप लस्सी बटर मिल्क ले सकते हैं, आप लेमन ले सकते हैं. आप कभी अगर आप इफ यू आर समवन हू स्टेज आउटडोर्स, अगर आप आउटडोर 2 से 3 घंटे रह रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जैसे गेट हो गया या आप विटामिन सी की एफोवेसेंट कैप्सूल्स होती हैं आप वो भी ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है, आप दोनों को रोक रहा हूँ मैं यहाँ पर. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर आप इस बढ़ती गर्मी में और इस बढ़ते केसेस के बीच में आखिर आप क्या खा सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं. इस बीच में रुक करते एक बड़ी खबर का, ये बड़ी खबर क्या है देखिए आप, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है. जी हाँ, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल. कल लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल लाल किले पर एक कार्यक्रम का आयोजन होना है जहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है. श्री गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है. 400वें प्रकाश उत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है.